अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको गार्लिक चटनी बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि प्लीज़ हमें गार्लिक चटनी बनाना सिखा दे। उसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सिर्फ हमें गार्लिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए मैंने ये फोड़ लिए हैं गार्लिक के पीसेस, साथ ही मैंने ये तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, और ये वन टी स्पून जो है फुल भर के आप फ्रेश चिलीज का ले लीजिएगा। और ये मेरे पास पानी है, पानी का कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस किस तरह आपने ये चटनी तैयार करनी है। कि इस तरह कुछ गार्लिक की शक्ल हुई है, तो अब इसके अंदर मैं साथ ही ये चिल्ली जो है ये ऐड कर दूंगी। चिल्ली ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हमने इसको तैयार करना है। और दोबारा से फिर इसको बंद करके एक दो मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी, आपने हर दफा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको करते जाना है। जितना पानी एकदम से डालेंगी तो वो आपकी चटनी इतनी अच्छी तैयार नहीं होगी। जैसे जैसे आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगी, वैसे वैसे इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि गार्लिक जो है वो एकदम से पतला नहीं होता। ये देखे इस तरह से कुछ इसकी शक्ल तैयार हुई है, लेकिन अभी भी इसको जरूरत है थोड़ी सी। इसके अंदर मैं फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दोबारा से चलाऊंगी। हाँ जी, तो आप देखें ये हमारी गार्लिक की जो चटनी है ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट करती चलूँ कि आपने इसके अंदर पानी जो है वो एकदम से नहीं डालना, क्योंकि जो गार्लिक है वो ग्राइंडर के अंदर एकदम से क्रश नहीं होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाएंगी तो चटनी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और बनेगी भी बहुत अच्छी। तो जी नाज़रीन, जिन लोगों ने फरमाइश की थी उन लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी गार्लिक की चटनी की रेसिपी